हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। और चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं जीटीएल इंफ्रा शेयर के बारे में। ये भी एक पेनी स्टॉक है, तो पेनी स्टॉक किसी में भी इन्वेस्ट करने से पहले सोच समझ के करें, क्योंकि आपका पैसा नुकसान भी हो सकता है इसके पीछे की वजह। मैं अपने हर वीडियोज़ में बोलता हूँ, तो सोच समझ के इन्वेस्ट करें। ये एक एडवाइजरी वीडियो नहीं है, ये बस एक ऐसा वीडियो जिसमें हम एक रिसर्च करके आपको बताते हैं। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। क्या ये कंपनी है मल्टी बैगर? जैसे कि देख सकते हैं वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, और ऐसी समय में आते हैं जब इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स आप लोगों की तरह ट्रैप हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। लेट्स बिगिन गाइस। सबसे पहले तो आप देख ले कि ना तो ये कंपनी डिविडेंड में अच्छी है, और इसमें बहुत सारे फ्लैग्स भी है जिसको आप एक नज़र रख सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल डेंजरस होता है, रिस्की होता है। इसीलिए एंट्री पॉइंट गुड हालांकि दिखा रहा है, लेकिन देखेंगे और हम फिर डिसाइड करेंगे कि क्या ये एंट्री पॉइंट सही है। और प्लेज तो बाद में आता है, सबसे पहले तो प्रोमोटर होल्डिंग ही उतनी अच्छी नहीं है, ना ही वो बड़ी है, तो फिर प्लेजिंग बाद में आता है। उसके अलावा इंडस्ट्री ग्रोथ अगर देखें तो उतना खास नहीं है, मार्केट शेयर भी घट रहा है। प्रोमोटर्स होल्डिंग आप अगर देखें तो 3% है। हमारा जो फर्स्ट क्राइटेरिया 70% का होता है वो तो डेफिनेटली फेल है। हालांकि लॉस मेकिंग कंपनी भी जो होती है तो 30 से प्लस होती है तो भी हम उसे कंसिडर कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी पुअर फॉर दिस कंपनी। फाइनेंशियल ट्रेंड आप देखें तो कहीं से भी कुछ अच्छा नहीं है। ये कलर आपको दिख ही नहीं रहा है क्योंकि ये है ही नहीं। अब प्रॉफिट में आप देखें तो थोड़ा बहुत आपको अच्छा दिख रहा होगा, जो कि हम आगे जा करके देखने वाले हैं। अब चलिए प्राइस ग्राफ चार्ट में देखते हैं। हम यहाँ पे क्लियर देखते हैं, एक समय का बात था जब ये 106 पे ट्रेड करता था, लगभग 2007 की बात है। उसके बाद से इसमें करंट एकदम बिल्कुल डाउनफॉल देखने को मिला। ये अचानक से डाउनफॉल हुआ, फिर यहाँ पे एक कंसोलिडेट जोन मिला, फिर एक डाउनफॉल हुआ कंपनी में, और अब ये फिलहाल बहुत बॉटम पे है। ये एक 50 पैसे पे भी ट्रेड किया है, 15 पैसे पे भी ट्रेड किया है, जैसे कि आप देख सक रहे हैं यहाँ पे लो 15 पैसा है। और लगभग अगर बात करें तो 1 से 1.5 साल पहले की बात है, इनफैक्ट 1 साल पहले की बात, लगभग 1.5 साल। वहाँ पे आप देख सकते हैं इसका प्राइस 70 से 50 पैसे पे था, जो कि अब जो है वो आ चुका है करंट प्राइस 1.70 रुपीज पे, जिसमें अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिला है। तो क्या आप यही देखकर स्टॉक में कूद पड़िएगा? बिल्कुल नहीं गए। जैसे कि आप देख सकते हैं इस स्टॉक ने एक हाई बनाया है 4 रुपये का, ठीक है। तो ये एक पेनी स्टॉक है, फंडामेंटल बिल्कुल खत्म है, तो आप फंडामेंटल बेसिस पे इस पे ट्रेड नहीं कर सकते। और ना ही ऐसे मैं ये हमेशा ये बोलता हूँ कि आप ऐसे कंपनी से दूर ही रहे तो बेटर है, लेकिन फिर भी अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये कंपनी जिसमें मैं 1% तक आपको अपने जो कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उससे डालना बोल सकता हूँ, क्योंकि कुछ कुछ कंपनीज ऐसी होती है जिसमें मैं बोलता हूँ बिल्कुल आप अपना 1% भी पैसा वेस्ट ना करें। बट ये वो कंपनी जिसमें आप 1% डाल सकते हो एक शॉर्ट टर्म गेन के लिए, जब आप गेन करोगे तो शायद आपको वहाँ पे कुछ प्रॉफिट मिल जाए जिसको आप फिर री इन्वेस्ट कर सकते हो। मेरी यही स्ट्रैटेजी होती है। क्वार्टरली रिजल्ट अगर आप देखें तो ये नेगेटिव 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 आपको दिख रहा है, और ये बड़ा अमाउंट यहाँ पे एक बड़ा दिखा, यहाँ पे एक बड़ा दिखा, जो कि जनरली मार्च में दिखता ही है। तो फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक बड़ा अमाउंट देखने को मिला, हालांकि यहाँ इस मार्च में आपको अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला, ठीक है। लेकिन अभी भी फिलहाल 200-300 ये नेगेटिव जा रहा है। बात करें अब बैलेंस शीट के बारे में, तो आप एक चीज देख सकते हैं कि इसका बोरोविंग्स जो है हालांकि कांस्टेंट ही रहा है, बट ज्यादा कम भी नहीं हुआ है। अगर देखा जाए तो ये बड़ा ही है अगर हम कंपेयर करें तो। हालांकि इसका जो लॉन्ग टर्म डेप्थ है वो कम आपको देखने को मिला है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इससे लॉन्ग टर्म डेप्थ कम हुआ, बट फिर भी लाइबिलिटीज काफी ज्यादा है, जिस वजह से ये उस तरीके का आपको प्रॉफिट नहीं दे पा रही है। अगर आप ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स था जो हमने डिस्कस किया, आप ये भी लगभग वही है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा टैक्स के बाद में, क्योंकि टैक्स आई नहीं है कंपनी के पास, लॉस मेकिंग कंपनी है। अब चलते हैं बैलेंस शीट। हमने देखा बैलेंस शीट में आपको कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है, आपका बोरोइंग्स बढ़ता जा रहा है, रिजर्व्स भी आपका खत्म होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, नेगेटिव्स में होता जा रहा है, जो कि एक गलत है, क्योंकि रिजर्व्स जो है एक कंपनी का बैकबोन होता है गाइस। तो चलिए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे देखते हैं, जिसके वजह से हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि आखिर हमारा प्राइस टारगेट क्या हो सकता है, और क्या ये जो एक्शन दिखा रहा है उस हिसाब से ये उतना प्राइस डिजर्व भी करता है कि नहीं मार्केट में। तो अभी फिलहाल आप देख लेते हैं, मार्च में आपको 1271 नेगेटिव का आपको लॉस दिख रहा है, जो कि लगभग आप 2017 में भी देख सकते हैं, और उस समय आपको उसका प्राइस रेंज लगभग 5 रुपए के आसपास दिख रहा था, जो कि यहाँ से अब कवर किया, रिकवर किया है लास्ट 2 और ये 3 अगर हम जोड़ दें तो यहाँ से एक रिकवरी जरूर हुई है। सॉरी,
तो प्राइस में भी थोड़ा सा रिकवरी हमें देखने को मिल सकता है। हालांकि इतना जल्दी वो इस रेंज तक तो नहीं पहुंचेगा, लेकिन फिर भी आप इसे 2-3 रुपए के आसपास जाता हुआ बिल्कुल देख सकते हैं। और आगे आने वाले समय में अगर ये जो है ये कम होता है, तब जाकर के आप इसमें एक अच्छा प्राइस टारगेट देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए दिल्ली दूर है गाइस, तो हम बता सकते हैं आपको समय है अभी, आप इसे 3-4 और साल जरूर से लगने वाला है इसे वापस से ऊपर आने में। और एक अच्छा प्राइस आने के लिए इसे लगभग अपने प्रॉफिट को 150 के अंडर करना है, यानी कि लॉस को 150 से नेगेटिव हटा करके उसके अंदर लेके आना, तब आपको एक अच्छा 30 रुपीज तक का प्राइस जरूर से जा सकता है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अगर वो डेप्थ पे कंट्रोल करे, खर्च अच्छा से करे और अच्छा मैनेजमेंट प्लानिंग करे, मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है बड़ी कंपनी, इनफैक्ट छोटी कंपनी में हालांकि लोग इग्नोर कर देते हैं लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट होता है गाइज। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मार्च 2010 में जब इसकी लॉस सिर्फ 3 करोड़ हुआ करती थी, उस समय आप उसका प्राइस 40 देख सकते हो। तो बहुत सारे यूट्यूबर बोल रहे हैं कि ये एक 100 जाएगा, 200 जाएगा, बर्बाद, ये मतलब मल्टीबैगर, मतलब सोचते हैं कि 10 गुना 100 गुना, ऐसा होने वाला है नहीं गाइस, हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको इसके बेस में काम देखने को मिल सकता है या तो फिर ऑपरेटर का कमाल देखने को मिल सकता है। जब ऑपरेटर आ गए तो आप जैसे लोग बिल्कुल फंस जाते हैं। तो गाइस अभी के लिए फिलहाल मैं यहाँ पे आपको बोल चुका हूँ 1% इसे इन्वेस्ट कर सकते हो, आप डाल सकते हो, लेकिन अभी ये सही टाइम समय नहीं है, और करेक्शन आने दीजिए, इसमें करेक्शन आएगा धीरे धीरे, ये फिर से आएगा। आप अभी फिलहाल 170 पे ट्रेड कर रहा है तो ये और 1.7 में तो ये कम आएगा, अभी ये फिलहाल 2 भी बढ़ सकता है, उससे भी पजा सकता है, लेकिन आप उसे कम होता हुआ देखें, फिर आप एक 1% का रिस्क उसमें उठा सकते हैं, एक शॉर्ट टर्म छोटे अमाउंट डाल करके। बड़ा अमाउंट कभी मत डाले क्योंकि आपको सेल करने का मौका भी नहीं मिलेगा, ऑपरेटर ऐसे जाएंगे, ऐसे लेके आएंगे, आपका पैसा खत्म, फिर आप यहीं पे बचे रहेंगे, फंसे रहेंगे, आपका पैसा फंसा रहेगा सालों साल तक। तो ये था मेरे तरफ से पूरा एनालिसिस, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया बट आपके लिए जो बेहतर है वही मैं कोशिश करता हूँ। तो इसका प्राइस टारगेट जो है फिलहाल के लिए 5 ही रुपये आप समझ सकते हो, 25-50 कुछ नहीं, अभी फिलहाल आप दिमाग से निकाल दो, जब वैसा समय आएगा तो मैं जरूर से वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए पीस आउट गाइस, स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब कर ले, थैंक यू।